लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वही भास्कर जिसने सिर्फ 2 लाख रुपए से 10 एकड़ खेत खरीदा और हल चलाया, उसमें से डायमंड निकला, उसी वजह से उसकी दशा चेंज हो गई। 5 सालों में उसने 5,000 करोड़ रुपए कमाए। थैंक यू। सुखा कर इस्तेमाल कर लेना, कड़क नोट है। ओके, 2 लाख रुपए टिप, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, वो तो ऑस्कर को भी पाना चाहता है। आपको लगता है कि मिलेगा? इसलिए भास्कर अवार्ड के नाम पर उसने एक फिल्म भी बनाई। फिल्म कौन सी? ग्लैडिएटर को देख करके रेडिएटर बनाया। हाउ डेयर यू टू शो मी योर बैक, स्लेव, रिमूव योर हेलमेट एंड टेल मी योर नेम। माय नेम इज मैक्समस पिसमस रेडिएटर, फादर टू अ मर्डर्ड सन, हस्बैंड टू अ मर्डर्ड वाइफ, एंड आई विल हैव टेक रिवेंज इन माय लाइफ और द नेस्ट। डायरेक्ट भी उसी ने किया, हीरो भी वही था और हीरोइन भी वही। देखो उसको कैसे चला रहा है। अगर मेरे मम्मी डैडी का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं इस लायक नहीं बन पाता। ये फिल्म देखकर हर कोई हर एक सीन को बेहतरीन बेमिसाल बता रहा है और इधर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे, इसे कंप्लीट करने में 60 डायमंड जो बिक गए। लेकिन उसके बारे में एक जानकारी आपके पास नहीं है। वो क्या? उसकी जमा पूंजी के जो 2 लाख थे उसने इसी घर से चुराए थे। हा? तुम्हारी जगह काम करता था वो। बॉस, आपके लिए खबर है। कोई भास्कर आ रहा है, सब लोग ये सोचकर परेशान है कि वो शादी तोड़ सकता है। अब आपकी बुआ जी को आपकी कीमत का पता चलेगा बॉस। उसके दुखी होने से हमें क्या मिलेगा, उन्हें निकालना है, वो हमारे साथ चलनी चाहिए, यही तो हमारा गोल है। अरे बत्रा सर, हम उस भास्कर के साथ बुआ के घर जाएंगे तो हमें कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा सर। तुझे एक काम करना होगा। सर बोलिए क्या करना है। वो भास्कर जैसे ही इंडिया में कदम रखे सर, मुझे उसकी यहाँ नौकरी पे लगा दे। मुश्किल है सर। मुश्किल है सर, जुगाड़ कर सकते हैं, कुछ सोच रहा था तभी आपने मार दिया। तेरे इस पॉज की वजह से ही मैं इरिटेट हो रहा हूं और तू उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। हा? गधा कहीं का। मैंने इसी घर में काम किया, मुझे घर से निकालने वाले यही लोग थे। इन लोगों को क्या हुआ है, ये लोग ऐसे हैरान क्यों हैं? आपको देखकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ये मेरा आदमी है, बिल्कुल पर्सनल। कल तक ये हमारे यहाँ काम करता था, अब छोड़ दिया। आपके यहाँ छोड़ दिया इसीलिए अच्छा बन गया, जो यहाँ से निकाला जाता है मेरी तरह महान बनता है। ये लीजिए। क्या है ये? मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, ऐसी चीजें खाने से मुझे उल्टी आती। जस्ट वेट, 2 लाख नए कपड़े लेना। सर सर, 2 लाख रुपए? सिर्फ 2 ही लाख तो है। इतने ही पैसे चुराने पर इनको घर से निकाला गया था। बाहर करने से गेट भी डबल स्पीड से वापस आता है, वैसे ही ये भास्कर डबल स्पीड में वापस आता है। मुझे गाना पसंद है। मुझे लेडीज पसंद है, और जब किसी को कुछ पसंद होता है तो उसे लेकर बकवास नहीं करते। ये लीजिए। ये तेरे गाल इतने फूल क्यों गए हैं? कोई दवाई खा रही है क्या? होम्योपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है। कंटिन्यू करो। ऑल द बेस्ट। भास्कर सर इज वेरी नॉटी। अरे भास्कर कैसे हो? हाँ? जरा इसे पकड़ो। सर आप उनको हग क्यों नहीं कर रहे हैं सर? उससे बेटर है प्लग में उंगली डालना। काफी दिन हो गए तुझे देखकर। आप इतना मिस करेंगे, पता होता तो अपनी फोटो भेज देता। जाइए अब खाना बनाइए। अच्छा हुआ चलिए। बचपन में ये फ्रॉक में तो बहुत गंदी दिखती थी, इस समय तो बड़ी ही सेक्सी लग रही है ये। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन दूंगा, काम तुम्हें करना है। ओ। आप रहने दीजिए। क्या भास्कर? नमस्ते मैडम। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ मैडम।
थोड़ा काम है, मैं अभी आई। ठीक है मैडम। ये क्या सर, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया, वो बस ऑटोमेटिकली आ गया और क्या। ए भास्कर, हाँ, तुम्हारे चाचा जी ने फोन पर ये बताया था कि ये शुभ कार्य तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। ए सर, बताइए मुझसे क्या उम्मीद करते हैं आप? थोड़े संस्कार। क्या संस्कार? ये क्या है भाई, लक्ष्मी देवी घर में आ रही हैं तो रोड के लेफ्ट से आना चाहिए, सिग्नल देखना चाहिए, रूल्स क्यों समझा रहा है? आपकी बेइज्जती ने हमें हर्ट किया सर, और इसीलिए ये शादी रोक कर हमें खुशी मनानी चाहिए। पानी पीजिए सर। छोटी वाली को देखा है, कैसी है? यू लव हर? आई वॉन्ट हर। उसे पाना है तो किसी से मिलना होगा। किससे? ये पेड़ कैसा है? बाबा जी को इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। प्यारे मित्रों, भगवान के भक्तों, सबके खेतों में धान उगता है लेकिन तुम्हें हीरे मिले, और क्या चाहिए बालक? भूख मिट जाए तो क्या भीख मांगना छोड़ देंगे स्वामी? मेरी तीन इच्छाएं हैं। क्या है बोलो। यहाँ एक लड़की की शादी थी, उसका नाम शशि है, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तथास्तु। वो मुझे चाहिए। जिसने चाहा उसी से होगी, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मुझसे शादी होगी ये मैंने भी नहीं चाहा, इसलिए वो मेरी होगी। हा? या और मेरा माइंड और मेरे डायमंड्स, मेरी करेंसी और एरोगेंसी हमेशा मेरे साथ होनी चाहिए। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी लेकिन तुम्हें ये पेड़ अपने घर पर रखना होगा। स्वामी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हा? पेड़, बादाम का पेड़ आंगन में लगाओगे तो देख लेना, हर मुश्किल दूर होगी। वाह 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 वाह। धार्मिक कैसे जाएगा स्वामी? बादाम का पेड़ आंगन में लगाओगे। ओ, जब से आया हूँ आपके तिलक और जटाओं के सिवा कुछ नहीं देखा, आपका चेहरा देखना चाहता हूँ स्वामी, मेहरबानी करके सिर्फ एक बार प्लीज, मेरी दिली ख्वाहिश है। दिखा सकता हूँ मगर देख पाओगे? ठीक है, मैं पलट रहा हूँ। ओके, पलट रहा हूँ। पलट रहा हूँ। याद रखना, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ठीक है स्वामी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। दर्शन दिए, चलो नसीब हो, धन्य हो गए। चलो दर्शन दिए, सफल हो गया। जय हो बाबा, जय हो बाबा। झूठ बोलोगे तो पत्ते झड़ेंगे, सर्वनाश होगा। टेस्ट करते हैं। मेरी शक्ल अमिताभ जैसी है। पत्ते झड़ने लगे सर। मुझे भी दिख रहा है, मैं दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हूं। पत्ते झड़ रहे हैं, झूठ है। मैं गधा हूं। ये सच है सर, मतलब एक भी पत्ता नहीं गिरा। मुझे दिख रहा है ना, तू क्यों बोलता है? क्यों आए हो तुम? चले जाओ मेरे घर से, जाओ। मुझे तुम पसंद नहीं हो, जाओ जाओ तुम। चला जाओ। कहाँ जाओ? चले जाओ तुम। I hate you. कौन है वहां? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पूछ रहा है क्या हुआ? ये किसी इज्जतदार का घर है या गार्डन है? क्या हुआ सर? अरे हुआ क्या, शादी होने वाली लड़की नौकर के साथ? क्या हुआ, मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ? कैसे देख रहे हो? वो दोनों वहाँ गले मिलकर रासलीला कर रहे थे, वही देखकर चिल्लाया था मैं। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? कुछ कह रहे थे। आपकी बेटी पवित्र है। पत्ते नहीं झड़ रहे सर। गलती मेरी है। आपने एक बात नोटिस की? कौन सी? अब तक हवा के बिना ही पत्ते गिर रहे थे। जब जब आप किसी टॉपिक पे बोलते हैं तभी पत्ते गिरते हैं, लेकिन पहले बाद में नहीं गिर रहे हैं। आपने नोटिस नहीं किया? पागलों के बारे में सिर्फ सुना था, देख पहली बार रहा हूं। इन्होंने कुछ बोला? कुछ नहीं। जाओ, तुम्हारी माँ जाता बुला रही है। सर, उस लड़की ने आपके आदमी को गले लगाया, झूठ है? देखा तो था, झूठ भी हो सकता है, लेकिन आज रात को मैं शशि के साथ कुछ करने वाला हूँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। भास्कर जी ललित कलाओं को बहुत पसंद करते हैं। ये ललिता और कला, इनको कभी देखा नहीं। ललित कला का मतलब लड़कियां नहीं है सर, फाइन आर्ट्स।
ललित कला की बात हो रही है तो अंताक्षरी, तंगड़ी, लंगड़ी, गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, ये सब नहीं है कला का मतलब। हमें अपने नाटक को आसमान की बुलंदियों से कहीं ऊपर ले जाना है। या उसका बेड़ा गर्क करना चाहते हो? नाटकों से मुझे भी बहुत प्यार है। तुमसे करवाऊंगा ना नाटक। वैसे नाटक कौन सा होगा सर? अहिल्या भोली है। ओह, इसके लिए तो लड़कियां ढूंढनी होंगी। अहिल्या भोली दो लड़कियां नहीं, अहिल्या ही भोली है। टाइटल में ही इतना ट्विस्ट है मतलब। आगे कहानी में किलो भर भर के ट्विस्ट डालूंगा। और कहा तो क्या होगा? गौतम और अहिल्या पति पत्नी है। इस बीच इंद्र अहिल्या के प्रेम में है। लेकिन ये तो गलत है। पूछने पर अहिल्या भी यही कहेगी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया है। सुबह सुबह 5 बजने से पहले ही, यानी कि 4 बजे, ऐसे मुर्गे की आवाज निकाली। तब गौतम उठे और तौलिया लेकर नदी पे नहाने चले गए। ये एक अच्छा मौका था। देखकर इंद्र गौतम के वेश में अहिल्या के पास आता है और अहिल्या को कामुक नजरों से देखता है। अब अहिल्या गहरी नींद में सो रही होती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उठाता है। अब देखना बंद करो, डायलॉग बोलो। स्वामी, नदी में नहाने नहीं गए? कमरे में तुम्हारे होते हुए मेरा नदी में क्या काम? ऐसा बोलकर अहिल्या को पलंग पर गिरा देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। नहाने के लिए गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तेरी आंखें फूट गई है क्या? तौलिया लेकर गया था, साबुन नहीं, इसलिए खाली डुबकी लगाकर आ गया। तो इस बार साबुन लेकर जाओ और अच्छी तरह से नहा के आओ। क्या बोला? बोल रहा हूँ साबुन लेकर जाओ और मलमल के नहा के आओ। हाँ, तब तक तू मेरी बीवी के साथ क्या करेगा जरा बताएगा? मैं तो इंद्र हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा नाम भी गौतम है, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। मार तो एक ही रहा था, हाथ इतने कैसे पड़ रहे थे? Something is wrong. No. Roll reverse. अहिल्या, तौलिया कहाँ है? कंधे पर। हाँ। जिसको जैसे मन करता है मारता है, तो स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? मैंने मारा था तो सीरियस हो गई थी, उसने मारा तो हंसी क्यों? स्वामी, देवी, नदी में नहाने नहीं गए क्या? मन में आपके होते हुए हम नदी में कैसे जा पाएंगे? बोला। ये मन में वाला डायलॉग कहाँ से आ गया? इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है सर, आपके लिए चैलेंज है सर। ये फुल थ्रू मुझे चैलेंज दे रहा है? इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है मैं बताता हूँ इसे। देवी, मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देवी, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये एक्टिंग करनी है, हट। क्या कर रहा था ये? नदी नहीं गए नहाने के लिए। मुझे अपने जैसा पागल समझता है? गया मुँह पर पानी मार के आ गया। हाँ, तो ये पैंतरा पहले क्यों नहीं बताया? क्या बात कर रहा है, कैसा पैंतरा? अरे हाथ में इतनी मोटी घड़ी पहनकर बैठा है, मुर्गा कुकड़ू कु करते ही बीवी को छोड़कर भाग जाएगा। तो भागने देना, तो मेरे जैसा लौंडा तो घुस ही जाएगा। क्या बक रहा है तू, मुंह संभाल के बात कर। घुस जाएगा वो भी मेरे होते हुए? क्या बात है, बहुत आवाज, आवाज ही नहीं निकल रही, हाथ भी उठेगा। हाँ मारना नहीं तुझे, तो काटना चाहिए, काटने के लिए काटूंगा। बापरे, हाँ, इस बार अहिल्या मैं बनता हूं, तुम आपस में मारपीट करो। तुम उठो, 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 चलो चलो उठो। अरे इतनी सुबह हुई, अहिल्या अभी भी सो रही है, तौलिया कहाँ है? सब अपने हिसाब से करते हैं, स्क्रिप्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। स्वामी, नदी में नहाने नहीं गए? जब तुम कमरे में हो तो मेरा नदी में क्या काम? देवी, देवी, हाँ आओ, तुम आओ ना। इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही? नहाने नहीं गए, गुलछर्रे उड़ा रही? नहाने नहीं गए, नहाने ही गया था, लेकिन सोच करके किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी, वापस लौट आया।
उसे क्यों नहीं मारते? इसे भी मारूंगा, लेकिन इससे पहले तेरी खबर तो ले लूं, उसके बाद इसकी क्लास भी लेता हूं। जरा तू मुझे एक बात बता बुढ़िया। हाँ पूछो ना। तुझे मैं पिछले 25 सालों से झेल रहा हूं कि नहीं? हाँ झेल तो रहे। उसके बावजूद तू असली और नकली पति में फर्क नहीं कर पाई। मतलब? हाँ मतलब। हाँ बता। मतलब बड़ी बेशरम हो गई है तू। आज तुझे बताता हूँ कि बेशरमों के साथ मैं क्या करता हूँ। जानती है मैं क्या करता हूँ? क्या करते हो बताओ? हाँ बताओ। तुझे तो काटना चाहिए। शकल देखिए जो अहिल्या बनने चला था, क्यों प्राण देना चाहता है? अब मुझे समझ में आ गया, मैं तो सिर्फ प्रेक्षक हूं। तुम लोग आपस में मरो मारो, लेकिन मेरा मनोरंजन करो। बाज आया। इतनी जल्दी सुबह हो गई? अरे तौलिया कहाँ है? अब मुझे कैसे मार पाएगा देखता हूं। इसका कोई भरोसा नहीं सर। आ? उसको तो अकल नहीं है, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू तो जानता है ना ये तुम्हारी बीवी है। जानता रहेगा ये मेरी बीवी है। हाँ। अब मारेगा क्या? आ, आ। असल में तुझे मारना बेवकूफी है। ए भास्कर, यहाँ क्या चल रहा है तुझे पता है ना? ये सब मैंने ही लिखा है। तूने लिखा है? ये जो यहाँ है वो इसका पति है क्या? नहीं, ये इंद्र है। तो फिर मुझे एक बात बता, बेटी अहिल्या, यहाँ आने वाला तेरा पति गौतम नहीं है, व्यभिचारी कुकर्मी इंद्र है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? पेट अपना बाहर निकाल कर इस तरह पेट को हिला हिला कर देख क्या रहे हो? मैंने बोला था ना सर। मतलब इस पॉइंट पर मुझे धो डालोगे? तेरे हर पॉइंट पर तुझे धोऊंगा, तेरे हर पॉइंट पर तुझे काटूंगा। इस देश में तेरे जैसे लेखकों की वजह से ही अत्याचार बढ़ रहा है। मारो इसे।